अरे रामा, अरे क्या भ्रमर गीत का पाठ करने, श्रीमद् भागवतम से भ्रमर गीत की टीका है जी गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर की। चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर कोट किया है स्वरूप गोस्वामी का, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से लिखा हुआ है। जो चित्र जल पर जो महाभाव होता है, महाभाव में मतलब प्रेम के बहुत अलग अलग स्तर होते हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, लेवल होता है। उसमें जब महाभाव होता है उसमें एक उसमें बहुत प्रकार का अलग अलग विचित्रता होता है। उसमें एक होता है दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद में चित्र जल्प होता है। चित्र जल्प 10 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का चित्र जल्प होता है, और वो 10 श्लोकों में भागवत में वर्णन किया गया है। जो 10 प्रकार का चित्र जल्प क्या होता है वो जल नीलमणि से कोट करके चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। चित्र जल को दशांगो यम प्रजल को परिजल को, चित्र जल का 10 अंग है। पहला है प्रजल प, दूसरा है परिजल प, तीसरा विजल प, चौथा उज्जल प, पांचवा संजल प, छठा अवजल प, सातवा अभिजल प, आठवा आजल प, नौवा प्रतिजल प, दसवा सुजल प। 10 प्रकार का चित्र जल प हम लोग देखेंगे 10 श्लोकों में। तो पहले श्लोक में हमने देखा प्रजल, प्रजल्पों में 5 क्राइटेरिया हैं, 5 प्रकार का उसमें होने से उसको प्रज्वल को कहते हैं। तो 5 क्या था हमने कल बताया, बताता हूँ कि 5 होने से उसको प्रज्वल को कहा जाएगा। वह असूया, ईर्ष्या, गर्व, असूया, ईर्ष्या, गर्व। और प्रीतम की अकुशलता, प्रीतम पांच प्रकार का और प्रजल को कहा जाता है। नहीं ऑलरेडी इसका डिस्कस किया, ऐसे इसमें 5 चीजें थी, असूया, ईर्ष्या, गर्व, युक्त उद्गार, अवज्ञा की मुद्रा और प्रिय की अकुशलता। ये 5 को प्रजल्प कहते हैं। तो 12 नंबर श्लोक में असूया का प्रदर्शन हुआ, जब जब नाद रानी ने कहा कितव धूर्त, कहा धूर्त था असूया, मतलब किसी का दोष देखा, धूर्त कहा, ईर्ष्या आया सपत्न्या, उनको सौत कहा, मथुरा की नारियों को सौत कहा, ईर्ष्या। गर्व, उन्होंने भंवरे को बोला कि मेरे पांव को मत छूना, गर्व का प्रकाश। और अवज्ञा की मुद्रा, अवज्ञा करना, मद से युक्त उद्गार, अवज्ञा की मुद्रा। अवज्ञा की मुद्रा है मद उन्होंने कहा,
वह तो मतलब उनको खुशी करे, मथुरा की नारियों को उनको बोले खुशी करते रहेंगे, हमको खुशी करने की जरूरत नहीं है। अवज्ञा। और यदु सदसी, यादव सभा में उनका अपमान होगा, इसका मतलब था उनकी अकुशलता, वो इतने एक्सपर्ट नहीं है, उनका दोस्त अकुशलता को प्रकाश किया। ये पांच क्वालिटी होने से उसको प्रजल्पो कहते हैं। आज का जो श्लोक है 2 नंबर, उसमें परिजल्प है। परिजल्पों के भी 5 लक्षण हैं। किसको परिजल्प कहते हैं? प्रभु निर्दयता, प्रभु की निर्दयता का वर्णन करना, उनकी सठता का वर्णन करना, उनकी चपलता का वर्णन करना, अपनी विचक्षणता को वर्णन करना। प्रभु की निर्दयता, सठता, चपलता का प्रतिपादन करना और अपनी विचक्षणता की भंगिमा से प्रकट करना, ये परिजल्प हो गए थे। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि राधा रानी श्री कृष्ण की निर्दयता को प्रकाश करेगी। कृष्ण निर्दय है, उसके बाद श्री कृष्ण सठ है, ये प्रकाश करेंगे, और श्री कृष्ण चपल है, ये प्रकाश करेंगे, और अपने आप का विचक्षणता में ज्यादा विचक्षण हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, ये प्रकाश करेंगे। इन इनको कहते हैं परिजल। चलिए तुम लोग ये देखिए, हमारे आचार्य लोग कितना डीप में जा करके, मतलब उज्ज्वल नीलमणि में 10 भावों का वर्णन है, वो 10 भाव 10 श्लोक में पूरा सेट हो गए। 13 नंबर श्लोक पाठ करते हैं। सकृद धर सोदा स्वाम मोहिनी पाययित्वा सुमनस इव सत्यस्तत्यजे स्वान्धवादृक् परिचरति कथं तद पादपद्मं तु पद्मा यपि वतरत चेता तमा श्लोक जल्पे। सकृदशूधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्यस्तत्यजे स्मान्दवाद्रि परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपि बत रतचेता तमः श्लोक जल्पे। सकृदधरशूधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा मनस इव सद्य तत्यजे स्मां भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं पद्मा पिबत हृत चेता तम श्लोक जल्पे। राधा रानी जो भगवान कृष्ण के विरह में प्राय मूर्छित होकर के पड़ी हुई थी, जिनका प्राण चला जाएगा इस दशा में है, और फिर वो उद्धव जी आते हैं, गोपियों को समझाते हैं, गोपियों से बात करते हैं, तब राधा रानी वहां पर आए। राधा रानी के पांव के पास वो भंवरा मंडरा रहा था, तो भंवरे को देख करके राधा रानी उद्धव जी से सीधा बात नहीं करती है, भंवरे को बोल करके उद्धव जी को बोल रही है। इस श्लोक में क्या बोल रही है कि ये तुम्हारा जो स्वामी है,
तुम्हारा जो स्वामी है, तुम जिसके दूत हो, उसका मैं गुणगान कर रही हूँ। वो कितना महान है, तुम भी कितने महान हो। कहते सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायत्वा। उसने अपने अधरामृत को एक बार हम लोग को पिलाया, एक बार अधरामृत को पिलाया। अधरामृत कैसा है? मोहिनी मोहित करने वाला अधरामृत को हमें एक बार। फिर क्या किया, हम लोग को पूरा त्याग दिया। ऐसा कैसे? तो भवाद्रि भवरे जैसे, भवरा सुमनस इव भवाद्रि। सुमनस मतलब फूल, जैसे फूल के ऊपर से भावरा रस पी के भाग जाता है। बहुत चंचल होता है, फटाफट फटाफट एक फूल से दूसरे फूल पे भागता रहता है। ऐसे भंवरे जैसा है उसका, चपलता वाला भंवरे जैसा चंचल है, जैसा चंचल है। इसलिए वो एक बार हम लोग को अधरामृत मिला के भाग गया। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा। लक्ष्मी देवी उनके चरण कमल की सेवा करती रहती है। राधा रानी बोलते हमको समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी देवी उनके चरण क्यों दबाते रहते, क्यों उनकी सेवा करते, ये समझ में नहीं आ रहा। ये राधा रानी का यहाँ पर बोले कि लक्ष्मी देवी उनकी चरण की क्यों सेवा करती, वो ना समझ है। लक्ष्मी देवी ना समझ है, धूर्त को जानती नहीं है, इसलिए बेचारी उनकी सेवा में लगी रही। परिचरति कथम, क्यों क्यों लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती रहती है, सोचने लगी। फिर बोलते हाँ हाँ हमको समझ में आ गया, क्यों? यदि बतरित चेता उनका चित्त को हरण कर लिया है। किसने? उत्तम श्लोक जल पे। ये उत्तम श्लोक है, बहुत ही बात बनाने में बहुत ही दक्ष है। जल पे मतलब झूठा प्रॉमिस, झूठे वादे करने वाला। जल पे झूठी 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 मूठी बात करके लक्ष्मी देवी को फंसा दिया है। इसने लक्ष्मी देवी को झूठी मूठी बात करके फंसा लिया है, और लक्ष्मी देवी ना समझ होकर के उनकी बातों में फंस गई है, इसलिए उनकी सेवा करती रहती है। कितना सुंदर वर्णन है। तो ये जो लोग अच्छे से भक्त हैं वही समझ पाएंगे, दूसरे लोग के तो 1000 प्रश्न आएंगे, ऐसा क्यों बोल रही है। तो भाव में दिव्य उन्माद में बोल रही है राधारानी। अभी इस श्लोक का बहुत 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 डिटेल में व्याख्या है, मैं से बता रहा हूँ, पढ़ने जाऊंगा तो पहले लिखा है सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायत। एक बार अपना अधरामृत को पिला के तो हमको छोड़ के चला गया है। तो पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण अधरामृत एक बार नहीं बहुत बार पिलाए हैं राधा रानी को, एक बार नहीं बहुत बार अधरामृत पिलाए। लेकिन ऐसा लिखा है कि तीव्र आकांक्षा होने की वजह से वो उनको बहुत बार का याद नहीं है, एक बार ही याद है। ऐसा उनको लग रहा है कि हमको एक बार ही मिला। जैसे आपको अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगे, मीठा लगे, तो आपको जितना भी देंगे तो कम लगेगा। अरे हमको एक ही रसगुल्ला मिला, हमको एक ही थोड़ा ही प्रसाद दिया, ज्यादा नहीं दिया, ऐसा लगेगा। तो ऐसे बोल रही कि राधा रानी को अधरामृत तो कई बार पीने मिला है, लेकिन कृष्णा की वजह से बोल रही कि एक। दूसरा बात आता है कि
अदर सुदाम स्वाम मोहिनी पाए। दूसरा अर्थ है, दूसरा बात आता है कि एक बार अदरा अमृत क्यों पिलाया, अदरा अमृत एक बार क्यों पिलाया, मतलब कृष्ण बहुत कृपालु बन के पिलाए, कृपा करने के पिलाए। तो नहीं, कृपा करने के लिए नहीं पिलाया, कृपा करने के लिए नहीं पिलाया। ओ, जीव गोस्वामी में लिखते हैं, बहुत चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, एक बार इसलिए पिलाया कि हम लोग एक बार अदरा अमृत पिला दिया, वो अमृत है, मतलब उससे मृत्यु नहीं होता है, तो ताकि हमको फिर बार बार परेशान करेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमको ज्यादा हमको परेशान कर पाएंगे, इसलिए एक बार अदरा अमृत पिला दिया ताकि फिर हमको सारा जीवन कष्ट देंगे, कष्ट देके भी हमारा मृत्यु नहीं होगा, इसलिए हम लोग को एक बार पिला दिया। जान बूझ के पहले से उनको पता था कि मैं तड़ पाऊंगा, तो लोग तड़प तड़प तड़पेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, उनको हमको ज्यादा कष्ट देने के लिए थोड़ा पहले अमृत पिला दिया। ये था चक्रवर्ती ठाकुर का, हमको ज्यादा कष्ट देने के लिए ताकि हमारा मृत्यु नहीं हो और हम लोग कष्ट भोगते रहे विरह का व्यथा, इसलिए एक बार पहले अमृत, खाली हमको कष्ट देने के लिए पिलाया वो अमृत, कृपा करके लिए। ये एक अर्थ हुआ। और एक अर्थ कहते हैं, अदर सुदाम स्वाम मोहिनी पाए। और एक अर्थ कहते हैं कि पिछले श्लोक में मधुप कहा गया, कृष्ण को मधुपति कहा गया और भंवरे को मधुप कहा गया। मधुपति मतलब जिनके पास मधु का बहुत स्टॉक है, गोडाउन है, मधुपति। अगर मधु को शराब समझते तो शराब का बहुत स्टॉक है, और भंवरा क्या है, मधुप शराब पीने वाला, भंवरा शराब पीने वाला है और कृष्ण शराब को बेचने वाला। तो शराब कौन सा है, ये उनका अदरा अमृत है, वही शराब है। तो यहाँ पर ऐसा कल्पना हो रहा है, भंवरा बोलता है आप लोग तो साध्वी स्त्री हो, आप लोग ने शराब क्यों पिया, आप लोग तो साध्वी स्त्रियां हो, आप लोग को कृष्ण ने अगर शराब दिया भी, आप बोल रहे कि हमको शराब ही कहते हो, आपने क्यों किया। तो मतलब पायित्वा, पायित्वा का थे बलात्कार, बलात् पिलाया हम, जबरदस्ती हम लोग को पिला दिया। हम लोग शुद्ध नारी, हम लोग कभी शराब पीने वाले थोड़ी है, अच्छे घर की नारी, कुछ कुल की नारी है, हम लोग शराब थोड़ी पीते, लेकिन हमको जबरदस्ती पिलाया। ये पायित्वा का शब्द है, क्यों फिर मोहिनी, लेकिन वो शराब कैसी है, मोहिनी में है, एक बार कोई पी लिया तो उसका जीवन भर उसको नशा हो जाएगा, उसके बिना वो जी नहीं सकता है, ऐसा है वो नशा है। जैसे आजकल वो नशा निकला LSD और चरस और गांजा, किसी लड़के को आजकल कॉलेज में बच्चे को भेजते हैं तो सावधान रहेगा, कॉलेज में बहुत रैंडम बिजनेस चल रहा है, बच्चों को एक बार फुसला के पिला देते हैं चरस गांजा। हमको एक लड़के ने बताया, उनका कॉलेज में अपने वाले ही बिजनेस, एक बार जबरदस्ती पिला देते हैं फुसला के, एक बार अगर वो चरस गांजा पी लेगा तो सारा जीवन उसका गुलाम बन जाता है। ऐसे ही ये अधर सुधा, अधर की जो अमृत है उसको कृष्ण ने हमको जबरदस्ती पिला दिया, और वो अमृत कैसा था, मोहिनी, एक बार पीने से जीवन भर उसके प्रति आसक्ति और तृष्णा हो जाती है, मोहिनी मोहित हो गया, हम लोग मोहित हो गया, अभी हमारे हाथ में हम परवश होंगे, वशीभूत होंगे, उसके बिना रह नहीं सकते, तड़पते रहेंगे। जैसे किसी को अगर चरस का नशा होता है, अगर वो चरस उसको नहीं मिलेगा वो तड़पेगा, तड़प तड़प के मर जाएगा आदमी, ऐसा चरस का नशा है, अफीम का भी नशा ऐसा है, वो एक बार कोई अगर नशा किया है उसको मरना पड़ेगा,
नसीब इंसानी। तो यही राधा रानी कहती हैं, श्री कृष्ण ने अपना अधरामृत पिलाया हम लोग को जबरदस्ती और मोहित कर दिया है, मोहिनी में। उसके बाद हम कुछ छोड़ के चला गया, उसके बाद छोड़ के चला गया, तो हम लोग कैसे, हम लोग सुमनस हैं। सुमनस मतलब, सुमन मतलब फूल, पुष्प। सुमन का अर्थ होता है फूल, और सुमन का अर्थ जिनका मन अच्छा है, गोपियां। गोपियां भी सुमनस है और फूल भी सुमनस है। जैसे फूल के ऊपर भंवरा आता है, यहाँ सुमनस भंवरे के लिए है, फूल के लिए और गोपी के लिए है। और भंवरा यहाँ पर कृष्ण के लिए है और भंवरे के लिए, भंवर के लिए, आपके जैसे, या आपके जैसा मतलब भंवरा और कृष्ण, और सुमनस मतलब गोपी और फूल। ऐसे तुलना करके कहती है, जिस प्रकार भंवरा एक बार फूल को स्पर्श करके भाग जाता है, ऐसे ही कृष्ण हम लोग को एक बार स्पर्श करके भाग गए, लेकिन हम लोग को नशा लगा के चले गए, अभी हमको तड़पा रहे। ये था पहला दो लाइन का अर्थ। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें उनकी निर्दयता का वर्णन हुआ और सत्यता का वर्णन हुआ। श्री कृष्ण की निर्दयता का वर्णन कर रही है गोपी, और श्री कृष्ण के सत्यता का, सच्चे मतलब धूर्तता का वर्णन कर रही है। और चपलता, तीन तीन दोषों का वर्णन किया, निर्दयता, सठता और चपला। निर्दयता कैसी, निर्दयता मतलब बलात्कार से पिलाना, किसी को शराब पिला देना बलात्कार करके जबरदस्ती पायत्व। और सठता कैसे हुआ, मोहिनी मोहित कर दिया हम लोग को, पता नहीं था कि इसको पीने से नशा चढ़ जाएगा, वो जबरदस्ती सठता प्रकट। और चपलता का उदाहरण क्या है कि भंवरे का मतलब भवाद्रिक, आपके जैसा है, मतलब भंवरे को बोल रही है राधा रानी कि आपके जैसा वो है, चंचल है। तीन दोषों का वर्णन किया और दो लाइन, पहला दो लाइन का वर्णन हम लोग डिस्कस किए, तीन दोषों का वर्णन हुआ कृष्ण। फिर आगे अभी भंवरा पूछता है कि आप कृष्ण के इतना दोष का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण के समान है। गर्गाचार्य ने तो जन्म के समय कहा था कि नारायण के समान है, पुत्र नंद महाराज का, और लक्ष्मी देवी इनकी साक्षात सेवा करती है, ये तो नारायण है। तो ये बोलने पे राधा रानी सोचने लगी, कुछ समय के लिए सोचने लगी। क्या सोच रही, परिचरति कथम, क्यों सेवा करती है, तत्पाद पद्मम तु पद्मा, उनके पाद पद्म को पद्मा क्यों सेवा करती है। यहाँ पर वर्णानुप्रास अलंकार आया, पाद पद्मम पद्मा मतलब चरण, पद्मा को पद्मा सेवा क्यों करती है। पद्मा लक्ष्मी देवी, चरण पद्म मतलब कृष्ण के चरण, कृष्ण के चरण भी कमल के फूल के जैसे हैं, लक्ष्मी देवी भी कमल फूल से प्रकट हुई है, पद्मा है। पद्मा इस पद्म की क्यों सेवा करती है, पहले उन्होंने सोचा राधा रानी। फिर खुद कहती हैं ही, हाँ मुझे पता चल गया, ही मतलब मेरे को पता चल गया जरूर, अपि शायद ऐसा लग रहा, अपि मतलब शायद ऐसा लग रहा है, बत मतलब दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है कि ये छलिए ने पद्मा को छल लिया है। कैसे छल लिया है, हृत चेता, चेता मतलब उसके हृदय को
चित्त को उन्होंने हरण कर लिया है, पद्मा को, लक्ष्मी को कैसे हरण किया? उत्तम श्लोक जल पे, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, और दूसरा अर्थ हुआ उत्तम श्लोक मतलब अच्छी अच्छी बातें बोल करके। जल पे मतलब हो गया झूठे वादे, झूठे वादों को जल्प कहते हैं, जल्प हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग शब्द बोलते हैं चलती भाषा में, हिंदी में, जो फेंकता है बोलते ना फेंक, बहुत बातें करता है, बनाते बातें बनाता है ऐसा, तो जल्प मतलब बातें बनाना। उत्तम श्लोक है, इसमें वो एक्सपर्ट है श्री कृष्ण, अच्छी अच्छी बातें बोल के उनके चित्त को हरण कर लिया लक्ष्मी देवी के, इससे लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती रहती है। यपि बत्त हृत चेता उत्तम श्लोक जल पे। तो यहाँ पर दो और क्वालिटी प्रकट हुई, पहले दो लाइन में निर्दयता कृष्ण का वर्णन हुआ और सचता का वर्णन किया, चपलता का वर्णन किया, इसमें क्या वर्णन किया, अपनी विचक्षणता को भंगिमा से प्रकट किया। इस दो लाइन में क्या किया राधा रानी ने कि मैं लक्ष्मी देवी जैसी नहीं हूं, हम उनके जैसे ना समझ नहीं है, अपनी विचक्षणता को, अपनी चतुराई को प्रकट करना, ये था एक गुण। अपनी चतुराई कैसे प्रकट की कि हम लक्ष्मी देवी जैसी ना समझ नहीं है, उनकी सेवा हम लोग को, तो उनको पहचान गए हैं, हम उनको जानती है वो कैसे है, लक्ष्मी देवी जानती नहीं इसलिए उनकी सेवा करती रहती है, हम आपके इस बात में फंसने वाले नहीं है, आप हमको ये सांत्वना देना और हमको फुसलाना, मनाना, प्रसन्न करना बंद करिए, आप मथुरा चले जाइए, हमारे पास आपका क्या काम है। ऐसे भवरे को देख करके उद्धव जी को इनडायरेक्टली राधा रानी बोल रही है कि तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ, हम लोग को समझा के कोई फायदा नहीं है, हम अच्छी तरह तुम्हारे स्वामी को भी जानते हैं, तुमको भी जानते हैं, तुम जाके मथुरा में अपना काम करो, इधर कोई काम नहीं, ये बोलना चाह रही हूँ। ये मैंने रफली आपको दोनों आचार्यों का टीका मिक्स करके बता दिया एक साथ। अभी अगर डिटेल में जाना है तो मैं देखता हूँ, कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा तो बता दूँ। एक पॉइंट बताया कि भंवरे से भी ये ज्यादा निर्दय है, भंवरा तो खाली फूल को छोड़ के चला जाता, लेकिन ये तो हम लोग को कष्ट देने का, तब उसको आनंद आता है, भंवरा फूल को कष्ट देने का नहीं सोचता है, खाली त्याग कर देता है, लेकिन ये तो हम लोग को कष्ट देने के लिए, जानबूझ के कष्ट देने के लिए ऐसा किया होगा, इसलिए भंवरे से भी ज्यादा निर्दयता प्रकट करती है राधा। कुछ पॉइंट अगर छूट गया होगा तो मैं देख लेता हूँ एक बार, लगभग जो जो था बता दिया। ठीक है, मैंने लगभग बता दिया हाँ दोनों आचार्य ठीक है, और फिर आज डेरी रखूंगा क्योंकि आगे इतना ही पढ़ाई किया, आगे से बिना पढ़े बोलने से ठीक से होगा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
कोई प्रश्न होगा, मंत्र होगा तो कुछ। यहाँ पर एक पॉइंट और छूट गया, इसमें लिखा है, भावरा बोलता है कि मेरे मूंछ के ऊपर जो पीला रंग है ये तो हमारा जन्म से ही है स्वाभाविक, आप इसको देख करके अनायास ही कल्पना कर रहे हैं कि हमने किसी फूल का सुगंध लिया होगा, और कृष्ण के बारे में अनायास आप दोषारोप कर रहे हैं, कृष्ण ने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा, ये सब आप खुद कल्पना कर रहे हैं, हमारा तो मूंछ के ऊपर रंग जन्म से ही है, भावरा ऐसा बोलता है, और श्री कृष्ण तो स्वप्न में भी किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं ऐसा बोले। हाँ, श्री कृष्ण सपने में भी मथुरा में किसी स्त्री को देखते नहीं, स्वप्न में भी उन्होंने आप लोग को बहुत याद करते हैं ऐसा भावरा बोलता है। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है कि आप इतना गुस्सा कर रही हो, ये भावरे ने पूछा। तब उसके उत्तर में राज रानी ये बोलती है, उन्होंने अपराध ये किया है कि हम लोग को एक बार अधर अमृत पिला दिया, फिर हमको छोड़ के चले गए। ये था कनेक्शन, दोनों श्लोक का कनेक्शन बताया जी। उस ओके, हरे कृष्ण।